एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। वेल गाइस, आज का एक वीडियो मैं जो आप सबके साथ शेयर कर रही हूं, आज आपके लिए मैं एक ऐसा अमेजिंग सा पैक लेकर आई हूं जो ना सिर्फ आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, काले धब्बे, ब्लैक पेचेस को खत्म करेगा, बल्कि ये आपकी स्किन को रिवर्स करने वाला है, यानी एक बेस्ट एंटी एजिंग का भी ये काम करने वाला है। इसके अलावा अगर आप अपने चेहरे पे पड़े हुए काले भूरे दाग धब्बों से परेशान हैं, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्ने पोर्स के निशान है, या फिर एक्ने की वजह से उसके मार्क्स छूट गए हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन है, अनइवन स्किन टोन है, तो उसके लिए ये पैक आप इस्तेमाल करें, ठीक है। इस पैक का गाइस आज मैंने खुद इस्तेमाल किया है और आज आपको मेरा जो फेस का ग्लो है वो अलग ही नज़र आ रहा होगा। सिर्फ एक बार के ही एप्लीकेशन से एक बहुत ही अमेजिंग सा अनबिलीवेबल रिजल्ट आपको इस पैक से मिलने वाला है। बट इस पैक को आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से अप्लाई करना है और इसको हटाने का तरीका क्या है, ये मेन है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। आज का ये वीडियो गाइस बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट के साथ मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपना एक लाइक जरूर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, इंस्पिरेशन मिल जाती है आप सबके लिए और अच्छा करने की। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आज ही मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से पैक हमको बनाना है। तो गाइज, इस पैक को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल किया है, ये सब हमको हमारे किचन में ही मिलने वाले हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा आपका, रिजल्ट भी ऐसा मिलेगा कि आप एक बार नहीं बार बार इस पैक को लगाओगी। तो इस पैक को जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है गाइज पोमीग्रेनेट पील्स, यानी अनार के छिलके, ठीक है। अनार के छिलके गाइस हमारे घर में जब भी आते हैं हम अनार तो खा लेते हैं, उनके छिलकों को फेंक देते हैं, बट इन छिलकों को मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत ही संभाल के रखती हूँ, कभी भी इन पील्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी गाइस कि ये एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन को टाइट करती है बल्कि हमारी स्किन को रिवर्स में ले जाती है, यानी हमारी एज को बैक करती है। इसके अलावा चेहरे पे आने वाले दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को, या फिर अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा काले धब्बे हैं, एक्ने पोर्स के निशान हैं और आप उनको हटाने के लिए हर कोशिश कर चुकी हैं, तो एक बार इस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अनार के छिलकों में वो ताकत है गाइस कि ये आपके चेहरे की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं इसको निकाल कर बाहर करते हैं, चेहरे के स्किन के कलर को इवन करते हैं, इसके अलावा स्किन को एक टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। तो अगली बार से जब भी आपके घर में अनार आए, इन छिलकों को आपको फेंकना नहीं है, स्टोर करके आपको रख लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास ये सूखे हुए छिलके नहीं हैं तो आप इसमें ताज़े अनार के छिलकों का भी यूज़ कर सकती हैं। मैं इन्हें डालूंगी मिक्सर के जार में, छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं मैंने, इसको मैं पीस के बहुत ही फाइन सा पाउडर बना लूंगी। अब इस पाउडर को गाइस मैं स्टोर करके रख लूंगी ताकि बार बार बनाने के झंझट ना पड़े। अगर आपके पास सूखे अनार के छिलके हैं तो आप भी इस तरह का पाउडर बना के रख लीजिएगा। तो गाइज अब हम अपना पैक बनाने वाले हैं, तो इसके लिए क्या करना है, हमें खाली बाउल ले लेना है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ये सूखे अनार के छिलकों का पाउडर, ठीक है। सेकेंड जो हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने वाले हैं वो है लाल मसूर की दाल, यानी रेड लेंटिन, जो कि हमारे चेहरे की वाइटनिंग करती है। स्पेशली इसे हम अपने चेहरे पर पड़े हुए दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट ये दाल गाइज एक ब्लीचिंग इफेक्ट देती है, हमारे चेहरे के कलर को इम्प्रूव करती है, इसके अलावा चेहरे पर पिगमेंटेशन है, झाइया है, उनके लिए मसूर की दाल बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे लगभग हमने 1 टीस्पून ही ले ली है लाल मसूर की दाल, ठीक है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है दही, जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि खट्टे दही का इस्तेमाल हमेशा आप करें, अगर आप खट्टे दही का इस्तेमाल करती हैं तो ये हमारी स्किन पे पड़ने वाले दाग धब्बों को बहुत ही जल्दी निकालने लगता है, रिड्यूस करने लगता है और उनके कलर को फेड करके जड़ से उसे ख़त्म करता है। तो दही लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है गाइज, स्किन को रिज्यूविनेट करता है, स्किन पर पड़े हुए रिंकल्स और फाइन लाइन्स को भी हमेशा के लिए खत्म करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा फेस को एक एंटी एजिंग वाला ग्लो देता है, चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। तो हर तरीके से दही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
यहाँ पे आपको लगभग इतना दही ऐड कर देना है जितने में हमारा ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमें इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे मैंने पूरा एक आलू ले लिया है, उसको मैंने कद्दूकश की हेल्प से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद उसका जूस एक बाउल में कलेक्ट कर लिया है। बट जब भी आप आलू के रस का इस्तेमाल करें, याद रखिएगा आलू के रस को आप थोड़ी देर भी रख देती हैं ना तो उसके नीचे जो उसका स्टार्च होता है आलू का वो नीचे बैठ जाता है। तो जब भी आपको आलू के रस का इस्तेमाल करना है हमेशा इसको पहले स्पून की हेल्प से हल्का सा चला ले ताकि स्टार्च हमें मिल जाए साथ में ही, ठीक है। तो यहाँ पे आलू के रस को हमें इस पैक में इस्तेमाल करना है गाइज, यहाँ पे इतना हमें आलू का रस ऐड कर देना है ताकि हमारा बहुत ही अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। तो अगर आपके पास गाइस वाइल्ड टर्मरिक है तो आप उसका इस्तेमाल कर ले, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी किचन वाली हल्दी का यूज कर सकते हैं। तो 1 pinch आपको इसमें टर्मरिक यानी हल्दी डाल देनी है। यहाँ पे मैं आलू के रस के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी आलू का जो रस होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, इसमें वो तासीर होती है जो हमारे चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को पिगमेंटेशन को खत्म करता है, ठीक है, लाइटन करता है, स्किन के कलर को ब्राइटन करता है, स्किन को टाइटनिंग वाला इफेक्ट देता है। चेहरे की कसावट देने के लिए आलू के रस का हम इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे मिलाजमा है, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, उनको खत्म करने के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा आपके स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इतने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गाइस। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट हमारा थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा आलू का रस और ऐड कर लीजिए, बट इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है, आलू के रस में ही आपको इस पैक को बनाना है। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा सा पैक बन चुका है गाइस, बट इसको अभी हमें इसे ऐसे अप्लाई नहीं करना है, कुछ देर के लिए हम इसे रखेंगे, ठीक है, लगभग 15 मिनट तक के लिए हमें इस पैक को रख देना है ताकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैक को आप देख सकते हैं गाइस, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरह से एक्टिव हो गए हैं, फूल चुके हैं और ये पैक अब अमेजिंग वर्क करने वाला है हमारी स्किन के ऊपर। तो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी पैक अगर आप इस्तेमाल करें या फिर कोई ट्रीटमेंट अगर आप अपनी स्किन के ऊपर कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें, क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलता है अपने चेहरे पे जब हमारा फेस जो है बिल्कुल क्लीन होता है। और क्लीन करने की वजह से हमारे स्किन पे जो हम ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, जो हम पैक लगाने वाले हैं, वो अच्छी तरह से हमारे पोर्स के अंदर जाकर वर्क करता है अपना। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है गाइज, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में इस पैक का इस्तेमाल हमें अपने पूरे फेस के ऊपर करना है, आईज एरिया को आपको बिल्कुल भी नहीं टच करना है। और इस पैक का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा मुहासे आने की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की पिगमेंटेशन जो है नेक एरिया पे रहती है, पीठ के ऊपर रहती है, बाजुओं के ऊपर रहती है, तो वहां पे भी इस पैक का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस पैक को गाइज लगा लिया है, अब लगभग 20-30 मिनट तक के लिए हमें इस पैक को इसी तरह से छोड़ देना है, ठीक है। तो 30 मिनट के बाद गाइज ये हमारा पैक कुछ इस तरह से ड्राई हो गया है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि इस पैक को हमें हटाना किस तरह से। तो यहाँ पे गाइज आपको खट्टा दही ले लेना है एक कटोरी में, ठीक है, और ये जो पैक हमारा लगा हुआ है इसी के ऊपर हमें इस दही का इस्तेमाल करना है, यानी एक पैक की तरह इस दही को आपको लगा देना है। सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस के ऊपर इस दही से इस पैक के ऊपर मसाज करनी है, ठीक है। ये मसाज आपकी 2-3 मिनट तक की होनी चाहिए गाइस। अगर आप इस तरह से इस पैक को हटाती हैं तो इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आने वाला है। ये वो तरीका है गाइस आपके चेहरे को दाग धब्बों को पिगमेंटेशन को मेलाज्मा को और चेहरे पे पड़े हुए काले भूरे पैचेस को खत्म करने का। इस तरह से आपको दही से ही अपने इस पैक को हटाना है, 2 मिनट का आपको मसाज करना है और 2 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो ये है गाइस इस पैक का रिज़ल्ट, देखिए आप रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा। मैंने अपने फेस को सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश किया है और एक बार में इसका रिज़ल्ट आप देखें, स्किन कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है, स्किन की शाइनिंग देख सकते हैं आप। इसके अलावा मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट लग रही है मुझे, स्किन की टाइटनिंग भी हुई है और चेहरे का ग्लो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ज़रूरी नहीं है अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तभी आप इसका यूज़ करें। ये है एक एंटी एजिंग प्लस डार्क स्पॉट रिमूवल पैक जो कि आप अपनी स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अनबिलीवेबल रिजल्ट है गाइज, अनबिलीवेबल। आप देख सकते हैं चेहरे का ग्लो देखिए, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं आप स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है।
और इसके इस्तेमाल से आपके स्किन के नए सेल्स बनने लगेंगे, स्किन रिजुवेनेट होगी, इसके अलावा आपकी स्किन टाइटन अप होगी। स्किन की टाइटनिंग के लिए भी आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, भी आपका एक रुपए भी खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सब हमारे किचन में हमारे घर में मौजूद है। तो इसी तरह के अमेजिंग DIYs और नेचुरल रेमेडीज देखने के लिए गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे वीडियोज के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, आज के मेरे इस वीडियो का जो गिव अवे का क्वेश्चन है गाइज वो ये है कि मैंने इस पैक को बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा आपको इस पैक को कितनी देर तक अप्लाई करके रखना है और हटाने का तरीका क्या है। तो आई होप कि गाइज आपने इस वीडियो को फुल वॉच किया होगा, एंड तक देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो नीचे जल्दी से आंसर दीजिए, लाइक का नंबर बताइए और कम से कम 10 लोगों को मेरे वीडियोस के लिंक को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।